सबसे पहले मैं अजीमुल कदर मोहतरमा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा उससे बजाहिर कोई ताल्लुक नहीं, एक बार मिले हैं परसों आधे घंटे के लिए, और उस आधे घंटे में भी मैंने इनको कहा था शायद मैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट के लायक नहीं हूँ, ये चीजें हैं जो मेरी डिस्क्वालिफिकेशन है, और उसके बावजूद भी मैं इस लायक न होने के बावजूद भी इन्होंने इस लायक समझा, कामों को कर दिए और लोगों के कामों को दर्शित किए, वो आप लोग देखते ही है, ठीक है। इंशाअल्लाह रहमान कदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बदलाव और कदर कॉन्स्टिट्यूएंसी की तकदीर अगर बदलनी है तो वो आप लोगों के हाथ में है। इसको यकीन देते हैं, फौजी को भी आपकी तरफ से यकीन देते हैं कि इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि जो करने में असेंबली इलेक्शन होने वाला है कि पार्टी पीडीपी इसके भी कितनी मजबूत है। उन ताकतों को जो बार बार बताते थे कि पीडीपी खत्म है, पीडीपी कहीं नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उनको दिखाएंगे। याद अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कि किसी पोलिटिकल पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है या वो याद करोगे, यू नॉट बिलीव कि हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो मुझे जानते हैं क्योंकि मैं भी पीडीपी के साथ पिछले 18 साल से हूँ, जो मुझे जानते हैं जो एक्स एम एल एस भी रहे, उन्होंने कंगन से इंशाल्लाह उसका नाम जमात अली साहब है। और मुझे खुशी है कि बशीर मीर साहब ने मतलब ये तो क्या हुआ कैसे हुआ इस सीट का, मगर इन्होंने इस वक्त भी अपना फर्ज निभाया, अपनी वफादारी दिखाई और अपनी से ज्यादा पार्टी को तरजीह दी, इसके लिए मैं इनकी फिर से शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मिलके इंशाल्लाह जो ख्वाब देखा था मुफ्ती साहब ने इस इलाके के बारे में, उन्होंने कोशिश भी की इस इलाके की, काफी मेरे ख्याल में जितने भी पुल हैं, हायर सेकेंडरी हैं, बाकी चीजें उन्होंने बहुत कम अरसे में किया था, पीछे रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब ये जोड़ी फिर से मिल गई है, इंशाल्लाह ये वालों की खिदमत करेंगे और आप लोग भी इनको साथ देंगे। और आज हमने जो बशीर साहब ने खुद ही डिक्लेयर भी कर दिया कि आपके कैंडिडेट हैं ये, मुझे उम्मीद है आप इनको कामयाब करेंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो यहाँ इलेक्शन होंगे उसमें आप इनको कामयाब कराने में पूरा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जुम्मे भी हाजिर हो सा ना मेरे कहने का मतलब यह है, मैं ये वादा करता हूँ कि हम बैठेंगे नहीं, कंगन से इलेक्शन नहीं लड़ना है तो बशीर मीर पीडीपी या इलेक्शन नहीं लड़ सकता है तो पीडीपी खत्म है, ऐसी बात नहीं है। हम किसी को भी यहाँ से खड़ा करेंगे जो एक अच्छे असल रसूख का शख्सियत होगी, हम उसको खड़ा करेंगे और हम आपको सबक सिखाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को। मुझे आपकी जरूरत है, हम शाहिन साहब को हमें हम सबको मिलजुल कर काम करना है, आप लोगों की जरूरत है यहाँ, आप इस इलाके को संभालिए। लोग मुझसे ये कैंडिडेट बताए कि कौन है, पिछले एक महीने किसी कैंडिडेट का ऐलान करते हैं खुदा ना खास सर, हमारे यहाँ पर बशीर साहब है, बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे नौजवान बुजुर्ग साथी हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोगों को मुबारक हो। मुबारक इस बात का है कि पीडीपी को भी मुबारक है, क्योंकि हकीकत में जब जमात अली साहब वहाँ पर खड़ा हो गया, मैंने आज तक देखा नहीं था, पहले जब सुबह मैंने इसका चेहरा वहाँ पर देखा
और इसके साथ जो यहाँ पर ये साथी थे, जब इनको भी मैंने देखा, मैंने एक टीम देखा, मैंने देखा कि इनके चेहरे से जैसा नूर बरस रहा है। मैं गाड़ी में बात कर रहा था, कौन था मेरे साथ है? मैंने कहा आप देख इनकी टीम कैसी है और कितना ईमानदार, मतलब कितना, मतलब हकीकत, मतलब इसी दीन परस्त लोग है। जैसे कि वहां पर वो नूर फैल गया, आते ही टाइम इंशाल्लाह आगे भी नूर ही नूर हो गया। इस बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज तक कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि कभी हमारे इस बलीवार वतलार इस तरफ को कहीं किसी पार्टी से कोई नुमाइंदगी मिलेगी। सबसे मुबारकबादी यही है मेरी तरफ से आपको कि ये मौका जो आज आपको मिला है इसको गंवाना नहीं। यहाँ से एक पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपके ताउन से, आपके सपोर्ट से, आपके वोट से अल्लाह करे कि हमें ये मौका नसीब हो। जहाँ 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 हमारे इलाके हैं, हमारी बस्तियां, हमारे लोग हैं, ना ही गांधीबल की बात करें ना ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इंशाल्लाह हम इनके बगैर भी रियासत के अंदर जहाँ जहाँ हमारे लोग होंगे इंशाल्लाह हम उनकी मदद करवा सकते हैं। हमारे काबिल एहतराम जनाब बशीर अहमद मीर साहब, जिनके क़यादत के अंदर हम काम करेंगे, और हमारी बरादरी के ये लोग नौजवानान, ये दोस्त हबीब शफीक रफीक, जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे, उनको तमामों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें शाहीन साहब जैसी चीज हमारे सामने आज लाके खड़ा की। इनमें अल्लाह ने पहले ही वो खूबियां रखी हुई थी, ये पहले ही से ये कौम की खिदमत करते आए, यानी कि आज ये सियासत में आए तो ये कौम की खिदमत करेंगे। अगर हमारा इलाका इस वक्त शनाख्त में आया, अगर हमारे इलाके को कहीं पहचान बनी, वो अल्लाह के फजल से, फिर शाहीन साहब की बदौलत से हमें कोई पहचान नहीं लगा। 2002 में